फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एम्स बठिंडा की आंसर की के बारे में, जिसका एग्जाम 29/9/2019 को चंडीगढ़ के अंदर करवाया गया है। ओके, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है, तो आज बात करेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस की आंसर की के बारे में। कोई क्वेश्चंस ऐसा हो जिसका आंसर गलत बताया दिया गया हो, और अगर आपको उसमें डाउट हो तो प्लीज़ उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में अपन उसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनाफाइलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो एनाफाइलेटिक जो शॉक है उसको किस ड्रग से ट्रीट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एड्रेनलिन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज ए। तो अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज के अंदर, तो उसको किस में कंसिडर्ड किया जाता है, तो इसका ऑप्शन राइट है एयर लीक इन द सिस्टम। ओके, एयर लीक इन द सिस्टम्स। तो अगर कंटिन्यूस ऑसिलेशन अगर कंटिन्यूस हो चेस्ट वाटर सील ड्रेनेज के अंदर, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल फाइंडिंग माना जाता है। ओके, कंटिन्यूस ऑसिलेशन, ओके, तो उसको नॉर्मल फाइंडिंग माना जाता है। अगर कंटिन्यूस बबलिंग है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज के अंदर, तो उसको एयर लीकेज इन द सिस्टम्स माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रिनल ट्रांसप्लांट। ओके, अबाउट की मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन द नर्स टेल द क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर। एक नर्स है जो टीचिंग कर रही है क्लाइंट को, तो मेडिकेशन दे रही है साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रिनल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो की मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या याद रखना है, द नर्स टेल द क्लाइंट टू स्पेशली अलर्ट फॉर। तो नर्स क्लाइंट को किसके बारे में अलर्ट रहने के लिए बोलती है, तो इसका राइट आंसर है साइन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, ए क्लाइंट ही हैज बीन डायग्नोस्ड विथ परनीशियस एनीमिया। ओके, इन द प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट ए नर्स एंटीसिपेट दैट क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विथ। एक क्लाइंट डायग्नोस परनीशियस एनीमिया से, तो उसकी प्लानिंग केयर के लिए नर्स को उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या प्रोवाइड करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12। ओके, परनीशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें विटामिन B12 उसको दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए 21-year-old वुमन इज बीइंग ट्रीटेड फॉर इंजरीज सस्टेन्ड इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। ओके, द पेशेंट हैज सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन इन पैलेस। एक पेशेंट है 21-year वुमेन है, उसको ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो चुका है। ओके, और उसमें सेंट्रल वेनस प्रेशर के लिए पैलेस किया गया है सेंट्रल लाइन। ओके, तो नर्स रिकॉग्नाइज द सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजरमेंट रिफ्लेक्ट्स। ओके, तो कार्डियक आउटपुट, प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल्स और प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका राइट आंसर है प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए थायरॉयडेक्टोमी। एक क्लाइंट है, उसको थायरॉयडेक्टोमी की जा रही है, द नर्स मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डैमेज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली। तो एक नर्स है जो उसके मॉनिटर कर रही है, और उसमें डैमेज हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द डैमेज टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो कौन सा साइन उसमें देखा जा सकता है, होर्सनेस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड नेक पेन, तो इसका राइट आंसर है टिंगलिंग अराउंड द माउथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांसिएंट इसेमिक अटैक TIA, एक क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड एस्प्रिन। एक क्लाइंट है ट्रांसिएंट इसेमिक अटैक का, उसको एस्प्रिन दी जा रही है 100 mg बाय द माउथ डेली। ओके, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट दिस मेडिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू। तो नर्स को
क्या टीच करना है क्लाइंट को कि ये मेडिकेशंस किसके लिए प्रिस्क्राइब की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, 70-year-old क्लाइंट इज कन्फाइंड टू हर बेड ड्यू टू एडवांस पार्किंसन डिजीज। ओके, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक द हाइस्ट प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज। तो हाइस्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा पार्किंसन डिजीज के अंदर, तो इसका राइट आंसर है इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ओके, इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, और इसका आंसर रिस्क ऑफ इंजरी भी जा सकता है, दोनों आंसर जा सकते हैं। तो इसका अगर आपको डाउट हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु हैड ट्रेकियोस्टोमी। एक नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसके। ओके, एंड इज अंडर गोइंग मैकेनिकल वेंटिलेशन में रखा गया उसको। द नर्स कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट बाय। तो नर्स कैन प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन को प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशन को, तो क्या प्लेसमेंट करना है उसको, कैसे प्लेसमेंट करना है उसको। तो इसका राइट आंसर है यूजिंग द मिनिमल लिप टेक्निक एंड कीपिंग कप प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर H2O। ओके, तो उसको क्या करना है, मिनिमल लिप टेक्निक यूज करना है और जो कप प्रेशर है उसको लेस देन 25 cm H2O रखना है। ओके, जिससे उसको ट्रेकियल डायलेशन कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक क्लाइंट हु जस्ट रिसीव्ड ए डायग्नोसिस ऑफ हिपेटाइटिस ए आस्क हाउ कुड आई हैव गॉटन दिस डिजीज वांट द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। एक नर्स है, हिपेटाइटिस ए है, एक पेशेंट है, वो पूछ रहा है कि ये डिजीज कैसे हुई है, कैसे प्राप्त हुई है मेरे को, और इसका बेस्ट रेस्पॉन्स नर्स के द्वारा क्या दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है हिपेटाइटिस ए के लिए हाउ यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड फूड। ओके, कि आपने जो कंटामिनेटेड फूड यूज किया है उससे आपको ये डिजीज हुई है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज। तो ओरल पोलियो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कितने साल के बच्चों को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अप टू 5 ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव ए चेस्ट ट्यूब रिमूवल। तो चेस्ट ट्यूब रिमूवल के जब करना है पेशेंट का, तो उसमें पेशेंट को नर्स क्या एडवाइस देगी। ओके, क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका राइट आंसर है टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ओके, कि डीप ब्रीथ लेना है और उसको होल्ड करके रखना है। ओके, यही उसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ए पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रिसीविंग मैनिटोल। एक पेशेंट है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसके, और उसको मैनिटोल दिया जा रहा है। तो टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस डिजीज का इफेक्टिवनेस प्राप्त करने के लिए द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन है डिक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट और इंक्रीज पिपुलरी रेस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइमरी कोज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन ए पेशेंट विथ सिरोसिस ऑफ लीवर। तो एक सिरोसिस ऑफ लीवर का एक पेशेंट है, तो उसमें एब्डोमिनल एसाइटिस का प्राइमरी कोज क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर है डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। ओके, डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। क्वेश्चन नंबर 15, ए पेशेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक प्रायोरिटी एज दिस टाइम। एक पेशेंट है जो सर्जरी से रिटर्न हुआ है, तो उसके लिए कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस उस टाइम में सही है। तो इसका राइट आंसर है इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न।
ओके, इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्लाइंट विथ स्टेटस अस्थमेटिकस, एक क्लाइंट है स्टेटस अस्थमेटिकस का, इज सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको, द नर्स शुड मेंटेन द क्लाइंट इन विच पोजिशन, तो उस पेशेंट को कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करवानी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिटिंग पोजिशन, सिटिंग अपराइट पोजिशन। ओके, या इसको कौन सी पोजिशंस बोलते हैं, हाई फाउलर्स पोजिशंस भी बोला जाता है, सिटिंग अपराइट पोजिशन को हाई फाउलर्स पोजिशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द नर्स एनकरेज ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग, एक नर्स है जो एनकरेज कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को उसके मुंह को लेग को मूव करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल्स हेल्प टू प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, तो ऑप्शन है प्लूरिसी पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ए फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया, द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर है लोअर एब्डोमिनल पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ए पेशेंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज गिवन डिजिटेलिस, डिजिटेलिस या डिजोक्सिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी, तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन कौन सा डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी के लिए, तो इसका राइट आंसर है नोजिया वोमिटिंग। ओके, तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है एनोरेक्सिया नोजिया एंड वोमिटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ए 47 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड विथ एन एक्यूट माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ही इज कोल्ड एंड क्लेमी एंड हैज सीवियर सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन विथ डिस्निया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन नर्स विल इम्प्लीमेंट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, एक 47 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट है जो माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन का है और एडमिट किया गया है, उसके अंदर देखा गया कि कोल्ड क्लेमी एंड हैव सीवियर सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन और डिस्निया भी उसको साथ में है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, कौन सा इंटरवेंशन उसका प्रायोरिटी बेस होने वाला है, तो इसका राइट आंसर है पैलेस पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजिशन। ओके, पैलेस पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाई विच ऑर्गन सिस्टम, तो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम रेगुलेट करता है उसको, तो इसका राइट आंसर है किडनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, लैक्टुलोज 20 ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब ऑन हैंड हिज लैक्टुलेज सिरप 10 ग्राम पर 15 ml, हाउ मच विल द नर्स गिव, एक पेशेंट लैक्टुलोज दिया जा रहा है उसको 20 ग्राम एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है, ओके, गैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा, और अपने पास में है सिरप 10 ग्राम पर 15 ml की, तो उसको कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले में रख दिया जाता है। ओके, जो ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है इसमें सोल्व करते हैं, 20 ग्राम है, ओके, और 10 इसके अंदर दिया गया है। ओके, इसमें फॉर्मूला होता है x बराबर डी अपॉन क्यू इंटू ए। ओके, डी का मतलब डिजायर्ड अमाउंट, ए क्यू का मतलब क्वांटिटी विथ अवेलेबल, और जो अवेलेबल अपने पास में होता है वो होता है ए, तो 20 अपने को दिया गया है और अपने को 10 ग्राम इसमें 15 ml यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसका हो गया 0 से 0, 15 × 2 = 30 ml। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ए पेशेंट विथ ए पेसमेकर इज एम्बुलेटिंग इन द रूम विथ असिस्टेंस ऑफ द नर्स, एक पेशेंट है पेसमेकर का पेशेंट है उसको रूम के अंदर एम्बुलेट किया जा रहा है। ओके, और किसके द्वारा, असिस्टेंस
ऑफ द नर्स, नर्स के द्वारा पकड़ने पर उसको एम्बुलेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है रूम पे, ओके। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है डिजीनेस का और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए। द इनिशियल एक्शन बाय द नर्स शुड बी, तो नर्स का इनिशियल एक्शन क्या इसके अंदर रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर है हैव हिम रेस्ट इन बेड इमीडिएटली, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट लाइकली सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा इंक्लूड, तो एक पेशेंट है उसको कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी दी जा रही है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा के लिए, ओके। तो उसमें सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट क्या देखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ल्यूकोपीनिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट विथ सीओपीडी इंक्लूड्स, सीओपीडी जो पेशेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेवेंट नॉलेज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन 8 1 to 2 liters पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द हाइस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड, तो आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी एक पेशेंट को हाइस्ट इंफॉर्मेशन कौन सी दी जाती है, तो उसका प्रायोरिटी मैनेजमेंट अपने को बताना है, तो इसका राइट आंसर है फूड एंड फ्लूड विल बी विद हेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 hours, फूड और फ्लूड को कम से भी कम 2 घंटे के लिए उसको बंद करना है, ओके, यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेल्योर, एक पेशेंट एक्यूट रीनल फेल्योर का, तो हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूज़न एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट, तो उसके अंदर हाइपरटोनिक ग्लूकोज भी दिया जा रहा है, इंसुलिन भी दिया जा रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसको दिया जा रहा है, तो किसको ट्रीट करने के लिए ये चीज़ दी जा रही है, तो इसका राइट आंसर है हाइपरकैलेमिया, ओके, हाइपरकैलेमिया को उसको ट्रीट करने के लिए ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ क्रच में कोज इंजरी टू द, तो जो अपर एंड है क्रच का वो उसकी प्रेशर से किस प्रकार की इंजरी देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर है एक्सिलरी नर्व, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, इन हीमोफीलिया द ब्लीडिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो हीमोफीलिया के अंदर जो ब्लीडिंग है वो किसकी डेफिशिएंसी से देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर है फैक्टर 8 की वजह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, ए पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस हु इज ऑन आइसोनियाजिड थेरेपी शुड आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड, एक पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का उसको आइसोनियाजिड थेरेपी दी जा रही है, तो उसके साथ में कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है पायरीडॉक्सिन, जो विटामिन B6 होता है उसका नेम है, केमिकल नेम पायरीडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलियोस्टोमी दैट वाज परफॉर्म्ड टू ट्रीट इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, ओके, ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन, तो इसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सीज बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीज बाथ किस प्रकार की डिजीज के लिए दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है हेमराइडक्टोमी के लिए सीज बाथ यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑनटो ए स्ट्रेचर, जब एक पेशेंट को स्ट्रेचर से लिफ्टिंग किया जाता है द नर्स शुड बेंड फ्रॉम द, तो नर्स पेशेंट को कहाँ से बेंड करती है, तो इसका राइट आंसर है नी, इसका राइट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, रफेज इन द डाइट स्टिमुलेट, तो डाइट के अंदर रफेज किसको स्टिमुलेट करता है, तो इसका राइट आंसर है पेरिस्टाल्सिस, ओके, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग
में इंटरफेरेंस विथ वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग के लिए कौन सा इंटरफेरेंस करता है? तो इसका राइट आंसर है हाई प्रोटीन डाइट। ओके, इसमें हाई प्रोटीन डाइट है, इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। द सक्सेस ऑफ फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 हावर्स कैन बी इवैल्यूएटेड बाय। तो एक पेशेंट है, उसमें फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है, बर्न का पेशेंट है, तो उसमें सक्सेस की जो प्रोसीजर फ्लूड रिप्लेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसको वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में कैसे पता लगेगा, कैसे उसको ध्यान रखना है? तो इसका राइट आंसर है यूरिन आउटपुट उसका चेक करते रहना है। ओके, उससे उसका पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू ए नर्सिंग यूनिट आफ्टर एबव नी एम्पुटेशन। एक क्लाइंट है, वो नर्सिंग यूनिट के अंदर जस्ट उसको रिटर्न किया गया है, क्या सर्जरी हुई उसको? एबव नी एम्पुटेशन ऑफ द राइट लेग। ओके, द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन। तो नर्स उसको कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशंस में उसको प्रोवाइड करवाएगी? तो सुपाइन विद द स्टम एलिवेटेड, सेकंड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एक क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर द कैंसर ऑफ लेरिंग्स। एक पेशेंट है, उसको एक्सटर्नल रेडिएशन दिया जा रहा है, नेक कैंसर है, नेक के अंदर उसको लेरिंग्स कैंसर है। ओके, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट फॉर द एक्सपेक्टेड इज, तो कौन सा मोस्ट कॉमन उसको साइड इफेक्ट देखा जाएगा उसके अंदर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सोर थ्रोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। एक क्लाइंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ गाउट इज आल्सो डायग्नोस्ड विथ यूरिथ्राइट यूरोलिथियासिस। एक क्लाइंट है, उसमें हिस्ट्री गाउट की, और उसको डायग्नोस किया गया है यूरोलिथियासिस। द स्टोन आर ऑफ यूरिक एसिड टाइप, तो उसमें जो स्टोन है वह यूरिक एसिड टाइप का स्टोन है, और ए नर्स गिव द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन टू लिमिट इनटेक ऑफ विच फूड। तो एक नर्स है, वो क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएगी एक पेशेंट को कि किस प्रकार की डाइट को, फूड को उसको लिमिट करके रखना है? तो इसका राइट आंसर है लीवर। ओके, लीवर या मीट जो डाइट है वो उसको लिमिट करके रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन ए पेशेंट हैज ए एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस, एक पेशेंट है, उसको एपिस्टेक्सिस का एपिसोड होता है, एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड द नर्स टेक फर्स्ट। तो कौन सा ऐसा एक्शन है जो नर्स को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट उसको करना है? तो राइट आंसर है 4 नंबर, हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज। पेशेंट को लीन फॉरवर्ड रखना है और उसके नोज को पिंच करके रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो पल्स डेफिसिएंस किसके बीच में डिफरेंस है उसको पल्स डेफिसिट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रेडियल एंड एपिकल पल्स है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको पल्स डेफिसिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अमंग द फॉलोइंग टू विच ए नर्स पे अटेंशन व्हेन कंडक्टिंग ए जनरल सर्वे ऑन एन एडल्ट क्लाइंट। तो कौन सी अप्रोप्रिएट चॉइस है जिसके अंदर अटेंशन रखना है जनरल सर्वे ऑफ एडल्ट क्लाइंट? ओके, तो इसका राइट आंसर है अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव रास्ता है जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हैंड हाइजीन। ओके, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। गाउन शुड बी वॉर्न व्हेन, तो गाउन कब पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ब्लड और बॉडी फ्लूड आर लाइकली टू गेट ऑन द नर्स क्लोथिंग
फ्रॉम ए टास्क दैट नर्स प्लान टू परफॉर्म। ऐसा टास्क, ऐसा प्रोसीजर जिसमें नर्स के जो क्लोथिंग है उसके अंदर ब्लड लग सकता है, तो उस प्रोसीजर के अंदर उसको गाउन को पहनना कंपलसरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मोस्ट मेडिकेशंस एरर अकर व्हेन ए नर्स। तो एक नर्स है उसको मोस्ट मेडिकेशन एरर उस किसके अंदर उसको देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है इज एडमिनिस्ट्रिंग अनफेमिलियर मेडिकेशन। अगर कोई नर्स है उसको अनफेमिलियर, जिसके बारे में नर्स को पता ही नहीं है, ऐसी मेडिकेशन उसको देने के लिए दे दिया जाता है, तो उसमें मेडिकेशन एरर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। द नर्स सेलेक्ट द रूट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू। तो एक नर्स को कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन के लिए उसको सेलेक्ट करना है, हॉस्पिटल पॉलिसी के आधार पे, प्रिस्क्राइबर ऑर्डर के आधार पे, द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर के आधार पे, और द क्लाइंट साइज एंड मसल मास के आधार पे। तो उसमें ध्यान रखना नर्स को जो प्रिस्क्राइबर जो ऑर्डर किया गया है उसके आधार पे उसको मेडिकेशन का रूट सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ए प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो गुड बॉडी मैकेनिक्स के लिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मेंटेनिंग ए वाइड बेस ऑफ सपोर्ट एंड बेंडिंग एट द नी। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन ए क्लाइंट्स रूम, योर फर्स्ट एक्शंस वुड बी टू। तो एक इलेक्ट्रिकल फायर क्लाइंट है उसके रूम पे फायर लग चुकी है, तो अपने को उसमें क्या ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 48 है। ओके, इसके लिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चंस का उसके बारे में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49। द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू ए अनकॉन्शियस क्लाइंट इज टू प्रिवेंट। तो एक अनकॉन्शियस क्लाइंट है उसको ओरल हाइजीन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसमें किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्पायरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। विच इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन ए केयर प्लान फॉर इम्प्रूविंग स्लीप इन ए ओल्डर एडल्ट। एक कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है जिसमें एक ओल्डर क्लाइंट है उसमें उसकी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डिक्रीज फ्लूड 2 से 4 hours बिफोर स्लीप। स्लीप से 2 से 4 hours पहले उसको फ्लूड को डिक्रीज करना है। ओके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट आफ्टर राइट फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नर्स को इम्प्लीमेंट करना है आफ्टर राइट फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन, तो इसका राइट आंसर है कीप द क्लाइंट इन हाई फावलर्स पोजिशन, और एक है इसके अंदर परफॉर्म पेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। तो इसमें डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन इसका राइट आंसर जाएगा, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसका मैं रेशनल पहले बता देता हूँ कि अगर राइट फिमोरल आर्टरी के अंदर अगर कैथेटराइजेशन किया जा रहा है और पेशेंट को अगर हाई पावलर्स पोजिशन दी जा रही है, तो हाई पावलर्स पोजिशन के अंदर वहाँ पर उसको किंक होने का चांस होता है। ओके, तो शायद ये आंसर कम जाए और ये भी जा सकता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। एक क्लाइंट विथ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, एक पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का क्लाइंट है, हैज ए डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूएशन। तो उसको क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूएशन है, मतलब डाउटफुल टेंडेंसी में रहता है हमेशा। ही टेल्स द नर्स, वो नर्स को बोलता है कि द CIA इज आउट टू गेट मी, एक CIA मेरे को पकड़ने के लिए, गेट करने के लिए निकल चुका है। They are spying on me, वो मेरे को स्पाइंग करेगा।
द नर्स बेस्ट इनिशियल रेस्पॉन्स, तो नर्स का बेस्ट इनिशियल रेस्पॉन्स क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सॉरी इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर मोस्ट नर्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कौन सा होता है? तो रिमेनिंग थेरापूटिक एंड प्रोफेशनल एट ऑल टाइम। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इन हेल्पिंग टू रिसोल्व ए क्राइसिस सिचुएशन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इन्वॉल्व द पर्सन इन ए थेरेपी ग्रुप। ओके क्वेश्चन नंबर 55, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विथ ऑर्गेनिक ब्रेन डिस्टोरिएशन वुड बी, तो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान है जिसमें ऑर्गेनिक ब्रेन डिस्टोरिएशन का जो पेशेंट है उसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजर टाइम एक्टिविटीज। ओके क्वेश्चन नंबर 56, इन अप्रोचिंग ए क्लाइंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ग्रेट आवर एक्टिविटी इट इज एसेंशियल टू, तो इसका क्या याद रखना है? यूज ए फर्म वार्म कंसिस्टेंट अप्रोच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू मोटर सेंसरी और सोमेटिक डिसेबिलिटी इज टर्म इज आइडेंटिफाई एज, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें जो पेशेंट है वो इमोशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्रेस्ड किया जा रहा है थ्रू किसके द्वारा? मोटर रेस्पॉन्स के द्वारा, सेंसरी के द्वारा और सोमेटिक डिसेबिलिटी के द्वारा उसको एक्सप्रेस्ड किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपको क्या जाएगा? तो इसका आंसर है या तो साइको सोमेटिक इसका राइट आंसर जाएगा या इसमें कन्वर्जन इसका राइट आंसर जाएगा। तो दोनों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है, दो ऑप्शन है, दोनों में से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 58, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज ए नॉन एज हेलुसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19-year-old female is admitted to the emergency department after being found unconscious. एक 19 साल की फीमेल लेडी है उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अनकॉन्शियस तरीके से भर्ती किया गया है। हर ब्लड प्रेशर इज 82/50 mmHg, उसका ब्लड प्रेशर कितना है? 82/50 mmHg और उसकी हाइट है 5'4". ओके टाल एंड वेट इज 35.8 kg, सी एपियर डिहाइड्रेशन एंड माल नरिश्ड, और उसमें देखा जा रहा है कि वो डिहाइड्रेटेड है और माल नरिश्ड भी है। आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, जब उसने कॉन्शियसनेस रिगेन किया है, सी रिपोर्ट दैट सी हैज हैड ए ट्रबल ईटिंग लेटली एंड कांट रिमेंबर व्हाट सी एट इन द लास्ट 20 ईयर, उसको पता भी नहीं है कि 24 ईयर के अंदर उसने क्या खाया है। She also stated that she had irregular menstrual period for the past 1 year, और उसमें उसने बताया है कि उसको पिछले एक साल से irregular menstrual cycle है। She is fat and refuse food, और उसको डर रहता है कि उसका फेट बढ़ जाएगा इसलिए वो फूड को रिफ्यूज कर रही है। The nurse suspected that she is caused केस ऑफ, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि ये किस प्रकार का केस है? तो इसमें राइट आंसर है एनोरोक्सिया नर्वोसा। ओके एनोरोक्सिया नर्वोसा का ये पेशेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द नर्स डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग बाय, तो नर्स डेमोन्स्ट्रेट बाय एक्टिव लिसनिंग, राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एज्यूमिंग ए रिलैक्स्ड पोस्चर एंड लीनिंग टूवर्ड द क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 61, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लेड द नर्स टू सस्पेक्ट दैट पेशेंट्स आईवी
हेज इन्फिल्ट्रेट, एक पेशेंट है तो कौन सा सस्पेक्ट डायग्नोसिस अपने को उसमें देखना, उसमें कौन सा असेसमेंट देखना है, फाइंडिंग करना है कि उसमें जो आईवी दिया जा रहा है पेशेंट को और वो इन्फिल्ट्रेट है। इन्फिल्ट्रेट आईवी मेडिकेशंस का एक कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उसका साइन सिम्टम अपने को इसमें देखना है। तो इसका राइट आंसर है द साइट इज पाल कूल एंड स्वेलो एंड पेनफुल। ओके, अगर पेशेंट की जो साइट है जहाँ पे आईवी मेडिकेशन दी जा रही है वो पाल है, कूल है, स्वेलो है और पेनफुल है, तो उसमें इन्फिल्ट्रेट कॉम्प्लिकेशन देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट टाइप ऑफ ऑथोरिटी रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, तो किस प्रकार की ऑथोरिटी रेगुलेट करती है प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग को, तो इसका राइट आंसर है स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट। ओके, स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ हेल्प सिंड्रोम, तो हेल्प सिंड्रोम का कौन सा एक फीचर्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर है इयोसिनोफिलिया। ओके, इस इयोसिनोफिलिया। तो अब बात करते हैं कि हेल्प सिंड्रोम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर है H4 हिमोलाइसिस। ओके, हिमोलाइसिस, और EL का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम। ओके, और L का मतलब होता है लो प्रोटीन, लो प्लेटलेट्स। ओके, डिक्रीज प्लेटलेट्स। ओके, तो इसके अंदर इयोसिनोफिलिया इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 63 64, ए 29 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेवी डग कम्स टू ए ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर ए प्रीनेटल विजिट। ओके, सी इज नॉट टू बी HIV पॉजिटिव। एक 29 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेवी डग एक डॉक्टर के पास आती है प्रीनेटल विजिट के लिए। ओके, और उसको पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। सी आल्सो हैज अस्थमा, और उसको अस्थमा भी है, फॉर विच यूज सी यूज एन इनहेलर, और उस वो इनहेलर भी यूज करती है। सी हैज नो नॉन डॉटर ड्रग एलर्जी, और उसको पता है कि वो कोई सी भी ड्रग से उसको एलर्जी नहीं है। एक्सटेंसिव काउंसलिंग इज गिवन टू हर रिगार्डिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए उसको काउंसलिंग दी जा रही है ऑफ HIV टू हर बेबी के लिए। इट इज़ रिकमेंडेड टू हर दैट सी टेक एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू डिक्रीज द वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट, और उसमें काउंसलिंग में उसको बताया जा रहा है कि अगर आप एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हो, आपके लिए रिकमेंडेड है कि अगर लेते हो तो उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांस कम हो जाते हैं। इट इज आल्सो रिकमेंडेड टू हर दैट सी हैव ए शेड्यूल्ड सीजेरियन डिलीवरी, और उसके लिए उसको सीजेरियन डिलीवरी के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ दीज ऑप्शन द पेशेंट चूज नॉट टू टेक द एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और उसके बाद में एक पेशेंट वो पेशेंट है जो चूज़ करती है कि वो कोई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नहीं लेगी और ऑप्ट टू फॉर ए वेजाइनल डिलीवरी, और वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी वो ऑप्शन चूज करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन फॉर दिस वूमन, तो उस प्रकार की वूमन में कितने परसेंट चांस है वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के, तो इसका राइट आंसर है 25%। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, ए प्राइमरी ग्रेविडा एट 37 वीक रिपोर्टेड टू ए लेबर रूम विथ सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया विथ हेवी ब्लीडिंग पर वेजाइना, द फिटल हार्ट साउंड्स वॉज नॉर्मल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन टू हर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, सीजेरियन सेक्शन, इंडक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी एंड इंडक्शन एंड फोरसेप्स डिलीवरी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 65 में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी हो सकता है, इंडक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी, ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन के लिए फर्स्ट कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखना है, तो इसका राइट आंसर है इमीडिएट डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
ए केस ऑफ 35 वीक प्रेगनेंसी विथ पोलीहाइड्रोमिनियाज एंड मार्क रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज मैनेज्ड बाय, राइट आंसर इज एमनियोसिंथेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन ए फिटस विथ कॉन्जिनाइटल CMV इन्फेक्शन, तो इसका राइट आंसर है मायोकार्डाइटिस। ओके, मायोकार्डाइटिस। क्वेश्चन नंबर 69, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ द डेंजर ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इनिबिशन ऑफ लेबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, तो थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेजाइनल म्यूकोसा। वेजाइनल म्यूकोसा थर्ड डिग्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, ए नर्स यू टीच ए क्लाइंट, सॉरी एज ए नर्स यू टीच ए क्लाइंट हु हैड ए सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट टू हेल्प इन देयर रिपेयर। एज ए नर्स आप एक पेशेंट को टीच कर रहे हो, तो उसमें किस न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने के लिए उसको हेल्प बताना है जिससे कि टिश्यू रिपेयर हो सके, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज, ओरिएंटेशन फेज के अंदर के दौरान ऑफ द हेल्पिंग रिलेशनशिप द नर्स माइट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ए क्लाइंट नीड टू लर्न टू यूज ए वॉकर, एक्विजिशन ऑफ दिस स्किल विल रिक्वायर लर्निंग इन द, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड साइकोमोटर डोमेन। ओके, साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 74, द नर्स प्लांट टू टीच ए क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, तो एक नर्स है प्लान कर रही है, टीचिंग बता रही है पेशेंट को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, तो इसका राइट आंसर है जस्ट बिफोर लंच व्हेन द क्लाइंट इज मोस्ट अवेक एंड अलर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, द नर्स आस्क द क्लाइंट हाउ डू यू फील अबाउट यूर सेल्फ, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट, एक नर्स है जो क्लाइंट को बोल रही है, आस्क पूछ रही है कि आप अपने बारे में क्या फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील अबाउट यूर सेल्फ, अपने बारे में क्या फील कर रहे हो, तो इसका राइट आंसर है सेल्फ एस्टीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, दिस वाज स्टेटेड बाय, तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ए 26 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविड वुमन कम्स टू द लेबर एंड डिलीवरी वार्ड एट द टर्म विथ रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, हर प्रीनेटल कोर्स वाज अनरिमार्केबल, सी हैज ए पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ मिट्रल वार प्रोलैप्स विथ रिगर्जिटेशन विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द इकोकार्डियोग्राफी, सी टेक नो मेडिकेशन एंड हैज नो एलर्जी टू मेडिकेशन, एग्जामिनेशन शो दैट हर सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड द फिटस इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जो कि एक नॉर्मल है, द फिटल हार्ट रेट इज एश्योरिंग, फिटल हार्ट रेट भी नॉर्मल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ दिस वुमन, तो कौन सा अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है इस वुमन के लिए, तो वो है एंटीबायोटिक प्रोपाइलेक्सिस इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द रीजन फॉर यूजिंग ए पेरेंटल रूट्स टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड, तो पेरेंटल रूट से मेडिकेशंस को देने का एक मोस्ट कॉमन रीजन्स क्या है,
ओके तो ये रीजन अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर है द पेरेंट्रल रूट अलाउ मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन द ओरल रूट्स, कि जो पेरेंट्रल रूट है वो ओरल रूट से जल्दी एब्जॉर्प्शन करता है ओके मेडिकेशन का। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड टू। तो पल्स ऑक्सीमेट्री इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग इन द ब्लड, कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है ये अपने को उसमें पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइन द नर्स कैन आइडेंटिफाई। जब यूट्रस ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है ऑक्सीटोसिन से तो साइन द नर्स आइडेंटिफाई, तो कौन सा साइन है जिससे नर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड फॉर मोर देन 90 सेकेंड, ये इसका राइट आंसर है ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग फ्रोसोमाइड टू ए 60 मंथ ओल्ड चाइल्ड, एक 16 मंथ ओल्ड चाइल्ड है उसको जब फ्रोसोमाइड एडमिनिस्टर किया जाता है तो हेज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ए नर्स वुड एक्सपेक्ट टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो एक नर्स कौन सा ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्ट करेगी इससे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए 10 ml/kg इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट ओके। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन फीडिंग एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड टू डे आफ्टर द अंडरवेंट ए क्लेफ्ट पैलेट, एक 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड है टू डे आफ्टर द अंडरवेंट ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर ए नर्स वुड ऑफर लिक्विड न्यूट्रिशन यूजिंग ए, तो क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर किया जा चुका है 18 मंथ का ओल्ड चाइल्ड है तो उसको फीडिंग करवाना है तो किस प्रकार का मेथड उसके लिए यूज किया जाएगा फीडिंग के लिए, तो राइट आंसर है रबर कोटेड इन्फेंट स्पॉन ओके, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, ए पेरेंट टेल ए नर्स माय 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट रिसेंटली पास सेवरल स्टूल दैट रिजेंबल क्लम्बी रेड जेली। एक पेरेंट है नर्स को बोलते हैं कि मेरा 3 मंथ का एक चाइल्ड है ओल्ड इन्फेंट है वो पास सेवरल स्टूल दैट रिजेंबल क्लम्बी रेड जेली स्टूल पास किया जा रहा है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द नर्स शुड सस्पेक्ट दैट इन्फेंट हैज डेवलप। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन से नर्स क्या सस्पेक्ट कैसे उसको पहचानेगी किस डिजीज के लिए, तो इसका राइट आंसर है इंटूसेप्शन ओके, रेड जेली स्टोल इंटूसेप्शन का मोस्ट कॉमन साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैज रिसेंटली बिगन सीरियल फीडिंग ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन वुड सपोर्ट ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इन इफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न। तो इसका राइट आंसर है 84, राइट आंसर इज लेंथनड टाइम बिटवीन मील ओके। क्वेश्चन नंबर 85, ड्यूरिंग द 1 मिनट अबगार स्कोर असेसमेंट ए न्यू बॉर्न हैज हार्ट रेट ऑफ 120 beats per minute, लस्टी क्राई, एक्रोसाइनोसिस एंड मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी, ए नर्स वुड गिव द न्यू बॉर्न एन अबगार स्कोर ऑफ, राइट आंसर इज 6, अबगार स्कोर इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ए चाइल्ड इज बींग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी विथ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड ए नर्स इंक्लूड इन द होम केयर प्लान। तो होम केयर प्लान के अंदर उसको क्या इंक्लूड करना है, तो इसका राइट आंसर है 86 में रेस्ट्रिक्ट फ्लूड इंटेक ओके, फ्लूड इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोस वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द केयर प्लान ऑफ ए न्यू बॉर्न एट 1 hours ऑफ द एज। एक कौन सा नर्सिंग डायग्नोस है जिसको प्रायोरिटी के लिए यूज करना है, तो केयर प्लान न्यू बॉर्न एट द 1 hours ऑफ द एज,
तो उस न्यूबॉर्न की 1 आवर्स एज है, तो कौन सा डायग्नोस यूज करना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, इन इफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है? तो राइट आंसर इज 4, कन्वेइंग वंस फीलिंग थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपनी फीलिंग को शेयर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डाटा विल द नर्स ऑब्टेन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए प्रिस्क्राइब्ड ऑपर मेडिकेशन टू ए पेशेंट? कौन सा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डाटा जो एक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑपर्ड, ऑपर्ड देने से पहले एक नर्स को असेसमेंट करना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, रेस्पिरेटरी रेट। ओके, क्योंकि जो ऑपर्ड होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर करता है अवर देने के बाद में। जब इसकी अवर डोज दे दी जाती है तो रेस्पिरेटरी फेल्योर इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। ओके, तो उससे देने से पहले इसको रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 90, द बेस्ट वे टू चेक द पेटेंसी ऑफ एट्रियोवेनस फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस। तो कौन सा बेस्ट वे है जिससे एट्रियोवेनस फिस्टुला की पेटेंसी को चेक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पाल्पेट द फिस्टुला थ्रू आउट इट्स लेंथ टू असेस फॉर द थ्रिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर ए प्रेग्नेंट मदर एंड नर्स इन्फॉर्म द वुमन अबाउट द प्रोसीजर द नर्स टेल द। नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पेशेंट नर्स पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, द फिटस इज, सॉरी 4 नहीं, इसका 3 जाएगा। ओके, एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर दैट रिकॉर्ड फिटल हार्ट एक्टिविटी इज सिक्योर्ड अवर द एब्डोमिनल। ओके, अवर द फिटल साउंड इज हर्ड मोस्टली क्लियरली। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द क्लाइंट वुड द नर्स आइडेंटिफाई इज बींग एट द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए सेकेंड ग्रेविडा डायग्नोस्ड विथ डेड फिटस सिंड्रोम। ओके, DIC का मोस्ट कॉमन साइन होता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 93, इफ द लेबर एंड विद इन 3 hours विद इन 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इट इज कॉल्ड। जब पूरी लेबर प्रोसेस 3 hours के अंदर कंप्लीट हो जाती है 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, तो वो डिलीवरी कौन सी कहलाती है? वो तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। ओके, प्रिसिपिटेट लेबर। क्वेश्चन नंबर 94, ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इफ द एक्सपीरियंस लीकिंग यूरिन व्हेन सी कफ स्नीज और लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट। किस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है जब पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, लीकिंग हो रहा है उसके यूरिन, जब वह कफ करता है, स्नीज करता है और कोई भी लिफ्टिंग, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट उठाता है, तब उसके यूरिन पास आउट हो जाता है, तो वह स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का एक टाइप होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन चारों में से जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है हिपेरिन, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी। कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी के अंदर रूटीनली दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है टिटनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, एन 8-year-old इज एडमिनिस्टर्ड टू हॉस्पिटल इन सिकल सेल क्राइसिस। एक 8 साल का ओल्ड है, उसको सिकल सेल क्राइसिस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड। तो कौन सी अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर है जो इस टाइम में उसको प्रोवाइड की जाती है? तो इसका राइट आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ए चाइल्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड 240 ml ऑफ फ्लूड
टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय माइक्रो ड्रिप। 240 ml फ्लूड प्रिस्क्राइब किया गया है और माइक्रो ड्रिप से देना है ओवर द 6 आवर के अंदर। तो नर्स विल रेगुलेट आईवी 8। तो नर्स जो आईवी फ्लूड को किस प्रकार रेगुलेट करेगी, तो ये अपने को इसमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अपन बात करते हैं कि 240 ml दिया गया है, ओके, 6 आवर्स के अंदर, मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 आवर्स करना और माइक्रो ड्रिप से है तो 60 ड्रॉप, ओके। तो इसको सोल्व करते हैं, तो 40 upon 360 into 60, ओके, 0 से 0 हो गया, 6 से 6 बार गया, ओके, 6 से हो गया कितनी बार गया, 4 बार, तो होगा 40 ड्रॉप पर मिनट, इसका राइट आंसर हो गया, ओके, 40 ड्रॉप पर मिनट, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर बाई ए 36-month-old चाइल्ड सपोर्ट ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा एक बिहेवियर है जो 36 मंथ, मतलब थ्री ईयर का एक चाइल्ड है, उसमें अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है, तो कौन सा डायग्नोसिस है जिससे उसका पता लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वॉक होल्डिंग इनटू फर्नीचर, कि जैसे वो सपोर्ट किसी को वॉक करने के लिए वो होल्ड करता फर्नीचर को, तो ये एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अल्टर्ड का एक सिम्टम है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट है, और तो बात करते हैं, ए 2-year-old अराइव इन द इमरजेंसी रूम विथ एन एलिवेटेड टेम्परेचर। एक 2 साल का बच्चा या बच्ची है जो अराइव होता है इमरजेंसी रूम के अंदर, उसको एलिवेटेड टेम्परेचर। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन द चाइल्ड कलर्स बिकम डस्की एंड द बॉडी स्टिफनेस एंड एक्सट्रीमिटीज बिगिन टू ट्विच, ओके। द नर्स शुड बी अवेयर दैट द चाइल्ड इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस। तो उसको टेम्परेचर एलिवेटेड है और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में उसको पता लगता है कि उसमें स्टिफनेस भी है बॉडी के अंदर, डस्की कलर है और ट्विच भी है, ओके। तो उसमें कौन सा मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस है चाइल्ड को पता करना है, तो उसका राइट आंसर है फेब्राइल सीजर्स, ओके। अगर टेम्परेचर की वजह से कोई सीजर्स प्रोड्यूस होता है तो उसको बोला जाता है फेब्राइल सीजर्स, ओके। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो, जिसका आंसर आपको गलत रॉन्ग लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि अपन उसमें नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।